आज हम नकली फूलों के साथ मनी प्लांट को सजाते हैं। मैंने डार्क पिंक और पर्पल कलर के वाटर लिली के फूल बनाए हैं। तो सबसे पहले इन फूलों को बनाने का तरीका जानते हैं। ये मैंने पर्पल कलर की फोम शीट ली है, आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। फोम शीट के मैंने इस नाप के टुकड़े कट किए हैं। अब इसे पंखुड़ी के शेप में कट करते हैं। पानी में वाटर लिली के फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल फूल है पर वाटर लिली के फूल नहीं थे, शॉप में भी मुझे नहीं मिले, तो मैंने फोम शीट लेकर इन फूलों को बनाने का सोचा। अब मैं पीले कलर की फोम शीट की दो पट्टियां कट कर रही हूँ। इस पट्टी को बारीक कट करके फूल के बीच का पराग का हिस्सा बनाएंगे। पंखुड़ी को शेप देने के लिए मैं प्रेस का उपयोग कर रही हूँ। अब इस तार पर हॉट ग्लू से पहले छोटी पीली पट्टी चिपकाएंगे, बाद में बड़ी पट्टी चिपकाएंगे। मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, आप चाहे तो कलर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले छोटी पंखुड़ी को चिपका देंगे, बाद में मीडियम और आखिर में सबसे बड़ी पंखुड़ी चिपकाएंगे। फूल की डंडी बनाने के लिए मैंने घर के ही प्लास्टिक के एक फूल की डंडी ली है। इस तरह का प्लास्टिक का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्ट्रॉ का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं इन सभी का उपयोग करके दिखाऊंगी। ऑलिव ग्रीन कलर की फोम शीट मुझे मिली नहीं, तो पत्ती बनाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ा। घर के ही फूलों के बंच में से मैंने ये एक दो पत्तियाँ निकाली है। ऑलिव ग्रीन कलर का कपड़ा या सेटिन रिबन का भी उपयोग कर सकते हैं। डंडी के नीचे हॉट ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें इन फूलों को पानी में रखना है, तार को जंग ना लगे, इसलिए हॉट ग्लू लगाना ज़रूरी है। इस प्रकार मैं बाकी भी फूल बना रही हूँ। पिंक शेड की पंखुड़ियों को प्रेस पर शेप देने के बाद मैं इस पर एक्रेलिक कलर का डार्क शेड दे रही हूँ। आप चाहे तो पिंक भी रख सकते हैं। फूल तैयार है, अब इन्हें मनी प्लांट के साथ पॉट में अरेंज करते हैं। फूल और मनी प्लांट को अरेंज करने के लिए मैंने ये नारियल की टोकरी ली है। इसके बीच में मैंने होल किया है। होल बनाने का तरीका मैंने कोकोनट शेल की सजावट के वीडियो में दिखाया है।
इस पर अब हमें प्लास्टिक के रबर लगाने हैं, इस तरह। पॉट में पानी डालते हैं और फूल और मनी प्लांट को जैसा चाहें वैसा अरेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें, मनी प्लांट की डंडी पानी में डूबनी चाहिए। आठ दिन में इसका पानी चेंज कीजिए, ना ही इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इसकी पत्तियां मुरझाएंगी। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, इसे मैंने शॉप से ख़रीदा है। इसकी डंडी बहुत लंबी है, इसलिए हमें नारियल की टोकरी की ज़रूरत नहीं। इसे इस तरह मोड़कर पॉट में रखेंगे। ये फूल बड़े हैं, इसलिए मैंने बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट लिया है। मनी प्लांट की डंडी हो सके तो बड़ी ले। ट्यूलिप के ये फ्लावर तो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इन फूलों को भी हम मनी प्लांट के साथ बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो फूल दिखा रही हूँ उसी में मनी प्लांट को सजा सकते हैं। आपके घर में जो भी फूल अवेलेबल हो, आप उन फूलों का उपयोग कर सकते हैं। इस सजावट को और थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए मैं इस लकड़ी का उपयोग कर रही हूँ। इस लकड़ी को मैंने कलर किया है। रेड और येलो कलर के शेड के ये ट्यूलिप फ्लावर बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। फूलों की डंडी प्लास्टिक से पूरी तरह कवर ना हो तो हॉट ग्लू लगाना ज़रूरी है। इन्हें कांच के पॉट में अरेंज करते हैं। इस तरह हमें दो रबर लेकर बीच में लगाना है।
ये डार्क गुलाबी फूल बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। इन्हें अरेंज करने के लिए भी मैं नारियल की टोकरी का उपयोग कर रही हूँ। ये सजावट बहुत आसान है और सुंदर भी दिखती है। पानी बदलने के बाद इस सजावट को बार बार अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नारियल की टोकरी को आराम से उठा के साइड में रख सकते हैं और पानी चेंज करने के बाद फिर से उठा के इसे रख सकते हैं। यहाँ मैं दो काले रंग के पत्थर रख रही हूँ। हमारी सजावट तैयार है। लीजिए, हमारी सजावट देखने के लिए बालकनी से धूप भी आ गई है। धूप की वजह से गुलाबी और हरा रंग बड़ा ही खिलके दिख रहा है। इस सजावट में बिना डंडी वाले एक फूल को अरेंज करेंगे। इस सजावट में मनी प्लांट की दो या तीन टहनी काफ़ी है। ज़्यादा मनी प्लांट लगाएंगे तो दोनों फूल उठ के नहीं दिखेंगे। इस सजावट में मैं सफ़ेद पत्थर रख रही हूँ। और भी प्राकृतिक तरह तरह की चीज़ों से इस अरेंजमेंट को हम सजा सकते हैं। वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बाकी की सजावट दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी।